हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ रैबिट, जो खरगोश है उस खरगोश के अंतर्गत हम जो श्वसन तंत्र है उस श्वसन तंत्र का क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, अपन स्क्लियोडोन का श्वसन तंत्र पढ़ा था। स्क्लियोडोन के बाद में हमने जैसे ही यूरोमैट्रिक्स का पढ़ा था, फिर क्या नाम से स्मोक का पढ़ा था, यूरोमैट्रिक्स का पढ़ा था। आज हम रैबिट, जो कि अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन की अगर बात की जाए तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंतर्गत ये लास्ट है। इसके बाद में हमारी जो कंपरेटिव एनाटॉमी है या कंपरेटिव इनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा कि स्क्लियोडोन और जो फ्रॉग है उसके श्वसन तंत्र में क्या अंतर है। ये आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि स्क्लियोडोन है और जो फ्रॉग है उसके दोनों में श्वसन तंत्र में क्या अंतर है, या यूरोमैट्रिक्स फ्रॉग दे देगा या यूरोमैट्रिक्स या तो क्या दे देगा, स्क्लियोडोन दे देगा या फिर रैबिट दे देगा। तो इनमें किसी एक को लेकर तुलना की जाती है। पिगन और उसका पिजन का भी आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, तो पक्षियों के अंतर्गत रेस्पिरेटरी सिस्टम एक अलग ही होता है, उसमें अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं अपन, वायु कोश कहते हैं। अब देखो, अपने वो जो पढ़ चुके हैं उनको तो आप घर पर अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे तो कंपरेटिव अपने आप में समझ में आ जाए। अब यहाँ हम स्टार्ट करते हैं कि जो खरगोश होता है उस खरगोश के अंतर्गत श्वसन के लिए केवल लंग्स पाए जाते हैं। यहाँ जो श्वसन करेगा वो किसके द्वारा करता है, लंग्स, लंग्स यानी फेफड़ों के द्वारा वो श्वसन की जो क्रिया है वो करता है। लेकिन जो खरगोश होता है उस खरगोश के अंतर्गत श्वसन की जो क्रिया होती है काफी जटिल होती है। काफी जटिल से मतलब क्या है, इसमें जो थोरेसिक कैविटी एवं एब्डोमन जो कैविटी होती है, उस थोरेसिक कैविटी एवं एब्डोमन जो कैविटी है उसको एक मसल्स लेयर यानी कि पेशीय जो संरचना होती है वो उसको अलग करती है और उस पेशीय संरचना को डायफ्राम के नाम से जाना जाता है। ये डायफ्राम के नाम से उसको जाना जाता है। साथ ही अब हम देहेगे, ये जो डायफ्राम होता है ये देहेगे कैसे अनुप्रस्थ काट इस प्रकार से ये पाया उपस्थित रहता है। अब हम श्वसन के वही दो भाग हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके जो दो भाग है उनमें से यहां बताता हूं मैं। फर्स्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि इसको बोला जाता है श्वसन पथ, और दूसरा होता है इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ये दो संरचनाएं हैं जो क्या करती है, श्वसन को अलग करती है इसके अंतर्गत रैबिट के अंतर्गत। अब हम सबसे पहले इसमें लेते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या है, श्वसन पथ। तो हम श्वसन पथ की जैसे ही बात करते हैं आपको ये व्यू दिखाई रखा है। इस व्यू के अंतर्गत ये क्या है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंतर्गत क्या है, ये आपको जो संरचना यहाँ लिख रखा है ये इसका क्या है, माउथ है, ये इसका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, ये इसके हार्ड प्लेट है, हार्ड पैलेट है जिसको तालू के नाम से, ये इसकी बकल कैविटी है और ये इसकी ट्रेकिया या श्वसन नली है। अब हम यहाँ सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारा जो पहला आता है वो आता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जिसे अपन बोलते हैं बाहाय नासा छिद्र, बाहाय नासा छिद्र। अब बाहाय नासा छिद्र की देखिए अपन बात कर लेते हैं।
रेबिट के अंतर्गत जो मुख होता है उस मुख के पृष्ठ भाग पर यानी कि डोर्सल भाग पर या रेबिट का जो प्रोथ होता है, प्रोथ कहते हैं मतलब आगे निकला हुआ शुंड नुमा जो भाग होता है उसको प्रोथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो इसका माउथ है, इस माउथ का ये जो पृष्ठ भाग होता है, इस पृष्ठ भाग पर ये आगे पाए जाते हैं, इस ये है यहाँ पर पाए जाते हैं शरीर को, यहाँ गलत लगा दिया, ये यहाँ ये इसको बोला जाता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। तो रेबिट के अंतर्गत बाह्य नासा छिद्र होते हैं वो कितने होते हैं, दो होते हैं, जैसे अपने होते हैं वैसे ही उनके अंतर्गत होते हैं। तो बाह्य नासा छिद्र होते हैं उनकी संख्या दो होती है, लेकिन इन जो नासा छिद्र है इन नासा छिद्रों को इन जो नासा छिद्र है इन नासा छिद्रों को एक उपास्थी होती है, वो उपास्थी क्या करती है, अलग करती है, और उस उपास्थी का नाम है मिसेटेमोइड। ये जो उपास्थी है ये मतलब कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज क्या करती है, इसके जो नोस्ट्रिल है उन नोस्ट्रिल को अलग अलग करती है। अब ये जो नोस्ट्रिल है बाह्य नासा छिद्र है, ये नेक्स्ट जो दूसरी संरचना आती है वो आती है नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर। और ये नेजल चैम्बर यानी कि इसको बोला जाता है नासा कक्ष या नासा वेसिका के नाम, नासा वेसिका के नाम से भी इसको जाना जाता है, नासिका वेसिका नेजल चैम्बर, और आपकी बुक में लिख रखा है नासिका वेसिका, वैसे अपन इसको नेजल चैम्बर नासा कक्ष के नाम से जानते हैं। अब देखो बाह्य नासा छिद्र से वायु कहां जाती है, ये जाती है नेजल चैम्बर। अब नेजल चैम्बर के अंतर्गत इस प्रकार से ये आपको इस प्रकार से ये इस प्रकार से बोन्स पाई जाती है, यानी यहां मैं बताऊं तो इस प्रकार से बोन्स, और इन बोन्स को कहा जाता है टर्वाइनल बोन, टर्वाइनल बोन्स। अब जैसे ही बाह्य नासा छिद्र से वायु इसमें नेजल चैम्बर में जाती है, नेजल चैम्बर के अंतर्गत क्या होती है, टर्वाइनल बोन होती है। ये टर्वाइनल बोन होती है बाहरी वायु के प्रेशर से दबाव से घूमती है, और घूमने से क्या होता है, जो बाहरी वातावरण की ऑक्सीजन होती है या जो वायु होती है उसका टेम्परेचर होता है वो शरीर के बराबर कर देती है, यानी कि इसका जो बॉडी होता है उसके बराबर उस टेम्परेचर को क्या है वो कर देती है। अब जैसे टेम्परेचर हो जाता है तो वायु आगे पास हो जाती है। यहाँ पर इस नेजल जो चैम्बर है इसका जो स्तर होता है वो भी किसका बना हुआ होता है, एपिथीलियम का, एपिथीलियम, एपिथीलियम जो ऊतक है उसका स्तर होता है, और इस एपिथीलियम स्तर पर ही क्या होता है श्लेष्मा का स्तर होता है, या श्लेष्मा यहाँ पर स्त्रावित होता है, और ये श्लेष्मा का कार्य क्या है, बाहरी वातावरण से गए हुए रासायनिक पदार्थ है, धूल कण है, इन रासायनिक पदार्थों से क्या करता है श्लेष्मा रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके इन रासायनिक पदार्थ धूल कण है इनको क्या कर देता है, डिजोल्व कर देता है, और डिजोल्व करने के साथ साथ ये नासा छिद्र से या तो बाहर या समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए इस नेजल चैम्बर को प्राइमरी इम्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है, प्राथमिक प्रतिरोधकता है उसके नाम से भी जाना जाता है। अब बाह्य नासा छिद्र से जो वायु है वो कहाँ आ गई, नेजल चैम्बर में आ गई। अब नेजल चैम्बर है वो ग्रसनी से अटैच होकर वो घूमता है आपके पास लैरिंग्स में घूमता है, या अपन इंटरनल नोस्ट्रिल में घूमता है शुरू, ये एक्सटर्नल फिर नेजल चैम्बर, और ये यहाँ पर ये छिद्र पाए जाते हैं इस प्रकार से, जो कि जो आपका हार्ट तालू होता है ये, और ये जो वाला होता है ये होता है सॉफ्ट तालू, इसको बोला जाता है सॉफ्ट पैलेट,
सॉफ्ट पैलेट। अब देखो ये यहां पर भाई ऊपर इसका ये क्या है आपको सॉरी यार गलत पता रखा है बाहर आसा चिट हो गया और ये क्या है इसका माउथ है ये माउथ। अब इस माउथ के अंदर देखो ये टीथ होते हैं और ये जो इसका है क्या है ये निचला जबड़ा है और ये इसका क्या है ऊपरी जबड़ा है या इसका क्या है अपन तालु होता है और इस तालु में कौन सा है ये हार्ड प्लेट यानी कि आगे की ओर है ये कठोर प्लेट होते हैं यानी कि तालु होते हैं और पीछे कौन से होते हैं कोमल होते हैं और ये जो पासिंग मार्क्स है ये पूरा मार्क्स है ये बकल कैविटी के नाम से जाना जाता है। अब यहां से जो भोजन है वो यहां आता है और यहां से जो वायु है वो भी यहां आती है इसको फूड पास मार्ग है इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। लेकिन अब अपने भोजन से तो काम नहीं है अपन को काम है किससे वायु से। अब ये आगे की जो संरचना होती है ये ट्रेकिया होती है। अब इस ट्रेकिया के अंतर्गत सबसे पहले एक ढक्कन नुमा संरचना होती है जिसको बोला जाता है एपिग्लोटिस। अब यहां ध्यान देंगे आप एपिग्लोटिस और ग्लोटिस में क्या अंतर है एक संरचना है एपिग्लोटिस और एक होता है ग्लोटिस। जो एपिग्लोटिस होता है ये तो क्या करता है इस प्रकार से ये है इस पर एक इस प्रकार से ढक्कन का कार्य करता है जबकि जो ग्लोटिस होता है ये वाला जो इसका क्षेत्र है इसको ग्लोटिस और ग्लोटिस क्या होता है छिद्र होता है ये छिद्र होता है और ये क्या होता है ढक्कन होता है। तो ये आप डिफरेंट समझे एपिग्लोटिस और ग्लोटिस के अंदर। अब आप एपिग्लोटिस और ग्लोटिस से जैसे ही वायु का संपर्क होता है तो वो जो आपके इंटरनल नोस्ट्रिल यानी कि अंतर नासा छिद्र है उस अंतर नासा छिद्र से ये अंदर वायु यहां पर प्रवेश कर जाती है और इसको जाना जाता है लैरिंग्स और लैरिंग्स को कहा जाता है कंठ। इसको क्या कहा जाता है कंठ। अब यहां समझेंगे आप कंठ की जो संरचना है क्या है खरगोश में जो लैरिंग्स होता है ये क्या करता है भाई ध्वनि उत्पादन का कार्य करता है इसके द्वारा जो ध्वनि है वो ध्वनि भी क्या की जाती है उत्पादित की जाती है ध्वनि उत्पादन का कार्य लैरिंग्स के द्वारा किया जाता है। अब लैरिंग्स की संरचना को आप यहां पर समझेंगे ये एक लैरिंग्स है इस लैरिंग्स के मैंने एक तो डोर्सल व्यू यानी कि पृष्ठ तरफ से दिखा रखा है एक लेटरल अंदर तरफ से दिखा रखा है और एक इंटरनल आंतरिक तरीके से इसको दर्शा रखा है। अब ये याद देखो ये एपिग्लोटिक्स है ये एपिग्लोटिक्स ढक्कन होगा और ये जो छिद्र है इसको लैरिंग्स के नाम से जाना जाएगा और इसके बाद में ये सिंधु संरचना के अंतर्गत आती है क्रिकोइड कार्टिलेज उपास्थि। लेकिन अब आप यहाँ हम लैरिंग्स की जैसे ही बात करते हैं तो लैरिंग्स तीन प्रकार की जो अस्थियां होती है सॉरी उपास्थियां होती है उन उपास्थियों से मिलकर बने होते हैं। अब इन उपास्थियों की हम जैसे ही चर्चा करते हैं तो इसके अंतर्गत सबसे पहले जो उपास्थि होती है वो होती है अरेटेनोइड फिर होती है थायरॉइड और फिर होती है इसमें क्रिकोइड तीन उपास्थि होती है इन तीन उपास्थियों से मिलकर ये क्या है बना हुआ होता है। अब इसके अंतर्गत हम जैसे ही बात करते हैं डोर्सल व्यू के अंतर्गत ये सबसे ऊपर जो ढक्कननुमा संरचना जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं ये क्या होती है थायरॉइड होती है और ये जो बोन क्या नाम से कार्टिलेज होती है इसको क्रिकोइड के नाम से जाना जाता है और ये जो क्रिकोइड से फिर यह आगे क्या होती है ट्रेकिया होती है जिसमें क्या है वायु आगे पास हो जाती है। अब इसके लेटर व्यू के अंतर्गत देखते हैं तो ये इसका क्या है थायराइड है थायरॉइड और थायरॉइड के बाद में इसका ये क्या है अरेटेनोइड है ये जो ग्रंथि है अरेटिनोइड है सॉरी अरेटेनोइड क्या है कार्टिलेज है और ये जो ये इसका क्या है एपिग्लोटिस एपिग्लोटिस है। अब इसके अंतर्गत हम
जैसे ही बात करते हैं लेटर टिश्यू के अंदर, ये यहाँ पर जो इसका थायराइड है और ये पैराटिडोइड है, ये दोनों मिलकर किसका कार्य करते हैं, ये एक स्वर यंत्र का कार्य करते हैं, यानी कि ध्वनि उत्पादन का कार्य करते हैं। देखो इसके इंटरनल व्यू के अंतर्गत देखते हैं, इंटरनल व्यू के अंतर्गत ये जो आपको कार्टिलेज दिखा रखी है, ये तो कौन सी है, थायराइड है, ये इसके अंतर्गत क्या है, पैराटिडोइड है, और ये जो पूरा चैम्बर है ये इसको ग्लोटिस के नाम से जाना जाता है, जो क्या होता है, छिद्र होता है, और ये जो है क्या है, इसकी ढक्कननुमा जो संरचना है उसको किसके नाम से जाना जाता है, एपिग्लोटिस के नाम से जाना जाता है। अब यहां ध्यान देंगे कि इसके अंतर्गत जो ग्लोटिस है इसमें जो बोन्स पाई जाती है उस बोन्स को अपन ने क्या कह रखा है, एरेटिनोइड, और एक क्या है, थायरॉइड। अब इस बोन्स के अंतर्गत एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन का क्या होता है, आवरण चढ़ जाता है, और इस आवरण चढ़ने के साथ साथ ही ये जो चैम्बर होता है ये भी दो भागों में बढ़ जाता है, एक तो एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर, और जैसे इस मेम्ब्रेन का आवरण चढ़ जाता है तो इसको वोकल कॉर्ड के नाम से जाना जाता है, और ये जो वोकल कॉर्ड होता है रेबिट के अंतर्गत ये ध्वनि उत्पादन का क्या करता है, कार्य करता है। साथ ही इस ध्वनि उत्पादन का जैसे ही ये कार्य करेगा तो इसमें वोकल कॉर्ड में एंटीरियर में पार्ट होता है, ऊपर की साइड जो एंटीरियर पार्ट होगा उस एंटीरियर पार्ट को फाल्स के नाम से, यानी कि फाल्स वोकल कॉर्ड, यानी कि उसको झूठा वोकल कॉर्ड के नाम से जाना जाता है, जबकि जो पोस्टीरियर होता है उसको ट्रू वोकल कॉर्ड के नाम से जाना जाता है, यानी कि वास्तविक या सत्य वोकल कॉर्ड। या अब हम कहें कि जो ट्रू और जो फाल्स होता है, आपने देखा होगा कि जो बिल्ली वगैरह की होती है उनके अंतर्गत ये जो फाल्स वोकल कॉर्ड होता है ये अधिक एक्टिव होता है, ये ज्यादा क्रियाशील होता है, जिससे क्या है, बिल्लियां विभिन्न प्रकार की क्या निकालती है, आवाज वगैरह निकाल देती, जबकि ये जो ट्री वोकल कॉर्ड होता है ये रेबिट के अंतर्गत या अन्य स्तनधारियों में पाया जाता है और ये इसे आवाज निकालते हैं। तो ये क्या है, एक स्वर यंत्र की तरह कार्य करते हैं, कौन करते हैं, इसकी जो जो लैरिंग्स, आप देखो लैरिंग्स के बाद में इसमें ये क्रिकोइड, ये यहाँ पर क्रिकोइड कार्टिलेज होती है, और ये क्रिकोइड कार्टिलेज ये है, ये पूरा जो पार्ट है ये लैरिंग्स का होता है, उसके बाद में नली का होती है, लंबी नली का, और इस लंबी नली का कार्य को किसके नाम से जाना जाता है, ट्रेकिया। इस ट्रेकिया के अंतर्गत ट्रेकियल कार्टिलेज पाई जाती है, क्या पाई जाती है, ट्रेकियल कार्टिलेज होती है, और ये ट्रेकियल कार्टिलेज जो होगी इस नलिका को ऐसे भी ऐसे रखने का प्रयास करती है, इससे कार्टिलेज चिपकती नहीं है, यानी कि खुली रहती है, जिससे जो वायु है उस वायु का पासन है वो अच्छी तरीके से हो सके। अब ये देखो ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया आगे जाके दो ब्रांचों में बढ़ जाती है, और जैसे ही ब्रांचों में बढ़ती है तो इनको ब्रोंकस के नाम से जाना जाता है, ब्रोंकस के नाम से इनको जाना है, ब्रोंकस यानी होती है श्वसनिकाएं ये होती है। आगे जैसे ही ब्रोंकस के अंतर्गत जाती है तो ब्रोंकस से अटैच क्या होते हैं, लंग्स अटैच होते हैं, फेफड़े इसके अंतर्गत अटैच होते हैं। अब हम बात करते हैं रेबिट के अंतर्गत जो लंग्स होते हैं, अब हमारा टॉपिक क्या रह जाएगा, लंग्स, यानी कि यहां मैं आपको एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नोस्ट्रल चैम्बर, इंटरनल नोस्ट्रिल, फिर इंटरनल नोस्ट्रिल के बाद में मैंने आपको बताया था यहां पर लैरिंग्स, ये लैरिंग्स हो गया, और लैरिंग्स के बाद में मैंने ट्रेकिया बताया, ट्रेकिया के बाद में ये ब्रोंकस जो कि नलिका होती है, अब हमारा आ गया लंग्स यानी कि फेफड़े। तो रेबिट के अंतर्गत हम जैसे ही फेफड़ों की बात करते हैं तो रेबिट में जो फेफड़े होते हैं वो वन पेयर होते हैं, संख्या में कितने होते हैं, दो होते हैं, और ये कैसे होते हैं, गुलाबी रंग की वेस्कुलर यानी एक संवहनी या गुब्बारे नुमा संरचना होती है, और इसके जो
फेफड़े हैं वो दो नौ तरफ स्थित होते हैं, यानी कि राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। लेकिन यहां देखेंगे अपन जो राइट साइड का जो फेफड़ा होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और उस राइट साइड के लोब के अंतर्गत चार लोब पाए जाते हैं। राइट साइड के लंग्स, सॉरी राइट साइड का जो लंग्स होता है उस लंग्स की तरफ चार लोब यानी कि पालियां पाई जाती है। सबसे पहले मैं पाली की बात कर लेता हूं तो ये वाली पाली ध्यान दे, एंटीरियर एजाइरस लोब, एंटीरियर एजाइरस लोब है, एंटीरियर एजाइरस लोब है। और ये एंटीरियर एजाइरस जो लोब होता है इसको अग्र एजाइरस पिंड के नाम से जाना जाता है। और ये क्या होता है, छोटा होता है, सबसे छोटा ये पिंड होता है। उसके बाद में राइट एंटीरियर लोब, फिर उसके नीचे राइट पोस्टीरियर लोब, और ये होता है पोस्टीरियर एजाइरस लोब। लोब तो वैसे इसमें एजाइरस है और कौन कौन से है, एंटीरियर पोस्टीरियर। तो इसके बाद में जैसे सबसे पहले ऊपर यहां एंटीरियर एजाइरस है तो नीचे पोस्टीरियर एजाइरस है, यहां राइट एंटीरियर लोब है तो पोस्ट एंटीरियर लोब है। ये लेफ्ट साइड का है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एंटीरियर लोब है और ये क्या है, लेफ्ट पोस्टीरियर लोब है। लेफ्ट एंटीरियर की अपेक्षा पोस्ट एंटीरियर लोब थोड़ा बड़ा होता है, तो इसमें यही लिखना है आकार में थोड़ा बड़ा होता है। राइट साइड में पाए जाते हैं, लेफ्ट साइड में ये पाए जाते हैं। और लंग्स के अंतर्गत अनेक कूपिकाएं पाई जाती है, एवोलाई और एवोलाई के अंतर्गत जो श्वसन की प्रक्रिया है वो क्या होती है, एलोवी, उनके श्वसन की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, संपन्न होती है। अब ब्रोंकस लंग्स जैसे ही अपना हो जाता है तो हम अब इसकी बात करते हैं किसकी, जो ब्रोंकस है वो ब्रोंकस का डिवाइडेशन कैसे होता है। तो यहां आप देखेंगे ब्रोंकस का जो डिवाइडेशन है तो यहां बता देता हूं, ये यहां पर जैसे ये आपके पास क्या है, ट्रेकिया है। ये ट्रेकिया दो भागों में ऐसे डिवाइड होती है और ये जैसे ही दो भागों में डिवाइड होती है तो इनको बोला जाता है प्राइमरी ब्रोंकस। अब ये प्राइमरी जो ब्रोंकस होती है ये फिर आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाती है। अब जैसे ही दो भागों में बढ़ेगी तो इसको तो छोड़ देंगे और अपन इस वाले को देंगे, तो इसको कहा जाता है सेकेंडरी ब्रोंकस। अब इस सेकेंडरी ब्रोंकस के अंतर्गत फिर दो ब्रांचेज करती है और इन दो ब्रांचों में से एक ब्रांच को कहा जाता है इसके अंतर्गत टर्शरी ब्रोंकस। जैसे ही टर्शरी ब्रोंकस आगे चलकर फिर दो भागों में डिवाइड होती है और जैसे ही टर्शरी ब्रोंकस उसके अंतर्गत जाती है, इसके अंतर्गत ये लंग्स के अंतर्गत, तो इसको बोला जाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकस, रेस्पिरेटरी ब्रोंकस होती है। और ये रेस्पिरेटरी जो ब्रोंकस होती है ये आगे चलकर ये इस प्रकार से कई ब्रांचों में बढ़ जाती है और इन जो ब्रांच है इन ब्रांचों को किस नाम से जाना जाता है, रेस्पिरेटरी वो एलोवेरी डक्ट के नाम से जाना जाता है, एलो विलाई एलो लाई डक्ट के नाम से इसको जाना जाएगा। और ये एवोलाई डक्ट होती है कूपिका, ये इस प्रकार से एलोवेरी में प्रवेश करती है और इस एलोवेरी के अंतर्गत इसकी जो सतह होती है वो कैसी होती है, वेस्कुलर टाइप की यानी कि संवहनी प्रकार की होती है। और इस संवहनी प्रकार के होने के साथ साथ यहाँ पर रुधिर केशिकाओं का भी क्या होता है, जाल होता है और यहाँ पर ही गैसों का क्या होता है, एक्शन या मैं कहूँ श्वसन की जो प्रक्रिया है वो इसके अंतर्गत यहाँ होती है। तो इस प्रकार से हमारा रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है वो रेबिट के अंतर्गत क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ साथ रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है वो
वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। एक्ट में जो क्या है पद है, पद में आप कर लिख सकते हैं एक्सटर्नल हॉस्टिल, नेदर चैम्बर, इंटरनल हॉस्टिल है, इंटरनल हॉस्टिल के बाद में लैरिंग्स है, लैरिंग्स के बाद में ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकस और ब्रोंकस के बाद में लंग्स, ये तो पद हो गया। अंग में एक शब्द का वर्णन करना है। अब हम पढ़ते हैं इसकी मैकेनिज्म, मैकेनिज्म यानी कि क्रिया विधि। तो देखो रेबिट के अंतर्गत जो श्वसन की जो क्रिया होती है वो श्वसन की क्रिया एक उपकूमन की तरह ही होती है, या इसके अंतर्गत श्वसन होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो होता है इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन, और एक होता है एक्सपायरेशन, यानी कि निश्वसन और निश्वसन होता है, लेकिन इनके अंतर्गत होती है एक तो इंटरनल, इसके अंतर्गत जो होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये मेन होती है। और ये देखो किस प्रकार से होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती है, ये आपको जो लंग्स होता है इस लंग्स के चारों तरफ इस प्रकार से, ये आपको मैं बता देता हूं, ये क्या है रिब्स होती है, पसलियां होती है, और यहां क्या होता है जहां इसमें डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम होता है। अब इन रिब्स, अब इसको देखो, इसको तो बोला जाता है थोरेसिक कैविटी, और ये नीचे क्या होती है एब्डोमिनल कैविटी। अब इसमें क्या होगा, इस रिब्स के अंतर्गत जो मसल्स पाए जाएंगे, पेशियां, दो प्रकार की पेशियां होती है, एक तो होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक होती है एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, यानी कि बाह्य अंतरा प्रसु पेशियां और अंतर प्रसु का पेशियां। तो सबसे पहले एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये EICM, एक तो ये होती है और एक होती है ICM। तो सबसे पहले इनके अंतर्गत EICM के अंतर्गत एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के अंतर्गत क्या होता है कॉन्ट्रिब्यूशन, संकेत संकुचन होता है, और जैसे ही इसमें संकुचन होता है तो ये जो डायफ्राम होता है ये क्या हो जाता है सीधा हो जाता है, और सीधा होते ही ये फेफड़े इस पर टके होते हैं डायफ्राम पे, ये फेफड़े नीचे भी हो जाते हैं, और ये जो कैविटी है ये कैविटी से इसका क्या बढ़ जाता है आकार बढ़ जाता है, और जैसे ही आकार बढ़ता है तो वायु जो होती है वो इसके माध्यम एपिग्लोटिस ग्लोटिस लैरिंक्स और ट्रेकिया के ब्रोंकस के माध्यम से लंग्स में आ जाती है। तो ऑक्सीजन का अंदर लेना ये प्रक्रिया कहलाती है इंस्पायरेशन यानी कि निश्वसन, और जैसे ही इनमें आईसीएम में क्या होगा इनमें संकुचन होगा, इनमें फैलाव होगा तो डायफ्राम ऊपर चढ़ेगा, इनमें क्या होगा इनका आयतन है जो कम होगा, और फिर जो इनसे ऑक्सीजन है वो कहां चले जाएगी बाहर वातावरण में चली जाएगी। तो इसकी जो क्रियाविधि है कि इस प्रकार से होती है, बाकी वो ज्यादा क्रियाविधि है कैसे क्या होती है कैसे अंदर जाती है वो हम फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे जो अपना नेक्स्ट पेपर है उसमें विस्तृत है। तो इस प्रकार से रेबिट के अंतर्गत हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मैं सोचता हूँ आई मीन आपको अच्छे तरीके से ये समझ में भी आ गया होगा। इस प्रकार से रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है रेबिट के अंतर्गत वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।